हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं शो करने वाला हूँ डिजिटेक कंपनी के ओर से आने वाली 18 इंच की फुल साइज रिंग लाइट, जिसके अंदर आपको रिमोट भी देखने को मिल जाता है, स्टैंड भी साथ में आता है और रिंग लाइट के अंदर आप यूएसबी भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करके टेस्ट करके भी देखेंगे, तो प्रॉपर तरीके से सारी चीज मिलती है भी कि नहीं, और ये स्टैंड का मैक्सिमम हाइट कितना देखने को मिलता है, मिनिमम हाइट कितना देखने को मिलता है, रिंग लाइट का कितना ब्राइटनेस दिया गया या फिर आपको कम क्वालिटी की रिंग लाइट देखने को मिलती है, और इसे किस तरह आपको असेंबल करना, रिमोट के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी देखने को मिलती है, कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर है इसके अंदर, वो सारी चीज। तो आप भी सोचो अच्छी सी रिंग लाइट बाय करने के लिए, आपका बजट अराउंड 2600 रुपीस के करीब है। तो ये मैंने अमेजोन से बाय किया था 2699 रुपीस का, अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है, कोई 3000-4000 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट लिंक पे आप क्लिक करो तो एक पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करके पीडीएफ को ओपन कर लेना है, तो इसके अंदर बेस्ट सेलर और हैवी डिस्काउंट के प्रोडक्ट लिंक रहेगी सारी अमेजोन के, तो लिंक पे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है, तो अमेजोन ऐप में बेस्ट सेलर प्रोडक्ट आपको विजिबल हो जाएगा। इस टाइप के कंप्लीट बॉक्स में पैक होकर आते हैं, जैसे कि अनबॉक्स करके मैंने इसे टेस्ट भी किया, मैं फिर से आपको बॉक्स के अंदर क्या कंटेन आता है वो मैं शो कर देता हूँ। तो चलो करते हैं इसे अनबॉक्स। तो ये बॉक्स के अंदर जो कि रिंग लाइट पैक हो गया थे, जो कि मैंने इसे रिमूव कर दिया, तो इस बॉक्स के अंदर बाकी कुछ भी नहीं, तो इसे मैं रख दिया तो फिलहाल ये साइड में। तो एक आता है स्टैंड, एक कवर भी आता है रिंग लाइट को कैरी वगैरह करना है इधर भी, तो इसी तरीके से कैरी कर सकते हो। तो इसे करता हूँ मैं ओपन। कवर की क्वालिटी भी काफी प्रीमियम ओवरऑल देखने को मिल जाती है, कवर के अंदर एक जिप दिया गया जिसके अंदर और भी प्रोडक्ट है। तो एक आपको रिमोट देखने को मिलेगा, साथ में करंट सप्लाई का केबल आएगा, एक मोबाइल होल्डर ट्राइपॉड दिया गया जो कि रिंग लाइट के बीच में लगेगा, एक यूजर मैनुअल आता है जैसे इसे किस तरह इंस्टॉल करना, कंप्लीट इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिया गया, और एक साथ में माउंट देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर आप मोबाइल होकर ट्राइपॉड होकर माउंट कर सकते हो, और एक और माउंट दिया गया जो कि आपके स्टैंड पे लगेगा जाके। ये रही कंप्लीट हमारी मेन रिंग लाइट, कंप्लीट आपको व्हाइट कलर में देखने को मिल जाता है, बॉर्डर काफी ज्यादा मोटा देखने को मिलेगा। अब रिंग लाइट की विथ की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो 3.5 इंच के करीब कंप्लीट विथ देखने को मिल जाता है, और इसका मैक्सिमम हाइट और विथ की बात करें तो सरकमफेरेंस ओवरऑल आपको 18 इंच का देखने को मिल जाता है। तो नीचे की साइड में आपको माउंट देखने को मिलता है जो कि इंस्टॉल करते टाइम पे मैं बता दूंगा किस तरह वर्क करता है, और बैक साइड में आपको शो कर देता हूं, तो इधर आपको 2 USB देखने को मिलेगा, इधर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया, इधर पावर का केबल कनेक्ट होगा, और इधर आपको जो कि 2 नॉब देखने को मिल जाता है, एक से आपका ब्राइटनेस कम ज्यादा होगा और दूसरे से आपका कलर चेंज, इनकेस रिमोट करने यूज कर रहे हो आप डायरेक्ट इधर से करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और बैक साइड का डिजाइन कंप्लीट इस तरह देखने को मिल जाता है, कंप्लीट बॉडी की बात करें तो प्लास्टिक मटेरियल यूज किया, काफी प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिल जाता है, और ये 2 USB से इनकेस आप बीच में फोन कनेक्ट कर रहे हो और इसको आपको चार्ज करना है तो वो केस पिन USB में आप डायरेक्ट केबल लगा के फोन को चार्ज भी कर सकते हो, और कोई दूसरा रिंग लाइट भी आपने कनेक्ट किया वो USB के थ्रू कनेक्ट होता तो इधर से आप डायरेक्ट वो भी पावर सप्लाई दे सकते हो। स्टैंड की क्वालिटी की बात करें कंप्लीट आपको मेटेलिक बॉडी देखने को मिल जाता है, काफी ज्यादा वेट में देखने को मिलेगा, अराउंड 3 से 4 किलो के करीब इसका वेट है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी बनाई गई है। तो इसे करता हूं ओपन और मैक्सिमम इसकी कितनी हाइट है वो सबसे पहले क्योंकि चेक कर लेते हैं, और इधर आपको देखने को मिल जाते हैं नॉब्स, इन्हें आपको ओपन करना लगा, इस तरह ओपन करोगे इसके बाद में ये नीचे की ओर स्लाइड हो गया, तो इस नॉब को ओपन करने के बाद में फिर आपको इस तरह मूव करना है, जितना आपको सेट करना है उतना सेट कर सकते हो, लास्ट टू लास्ट जो कि पूरा नीचे की ओर जाता है और ये ऊपर की ओर पुश होता है, जैसे कि मैं पूरा इसे टाइट करके दिखा देता हूं, तो ये आप देख सकते हो ये हमारा ट्राइपॉड जो कि नीचे के साइड का सेट हो चुका है, इसे आप अपने हाइट के हिसाब से इतना करना तो इतना भी आप सेट कर सकते हो, जहां भी आप रख रहे हो ऊबड़ खाबड़ जगह या फिर स्टेबल जगह नहीं तो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट चाहिए इतना आप से रख सकते हो, काफी ज्यादा वाइड देखने को मिल जाता है जिसके कारण सपोर्ट काफी बेहतरीन रहता है। और ये रिंग लाइट के अलावा कुछ और भी चीजें इसके ऊपर लगानी आपको, लाइट वगैरह एलोजन लाइट वगैरह, तो वो भी आप इजी तरीके से हैवी वेट वाले लगा सकते हो। तो इधर 2 नॉब दिए हुए, इन दोनों को ओपन कर लेना है और फुल मैक्सिमम में कर लेता हूँ जिसके कारण आपको हाइट का इसका अंदाजा हो जाएगा। तो अब मैं इसका मैक्सिमम हाइट आपको शो कर देता हूँ, तो 90 इंच कंप्लीट इसका हाइट देखने को मिल जाता है और हाइट और भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो और भी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, तो अराउंड आप समझ लीजिए 95 इंच तक इसकी कंप्लीट हाइट आपको देखने को मिल जाती है इस ट्राइपॉड की, जो कि काफी अच्छी हाइट है, 7.5 से 8 फीट कंप्लीट इसकी हाइट देखने को मिल जाती है ट्राइपॉड की, और मिनिमम हाइट आपको देखने को मिल जाती है जैसे कि मैंने कंप्लीट ट्राइपॉड को नीचे कर लिया है 43 इंच तक, तो अराउंड आप समझ लीजिए 3 फीट एंड 6 इंच के करीब आपको देखने को मिल जाएगा, 3.5-4 फीट के करीब। अब इसके ऊपर हम फिट करते हैं रिंग लाइट को, तो सबसे पहले आपको ये वाले को लूज कर लेना है इसके अंदर जो कि ये वाला फिट होएगा, और इसको भी थोड़ा लूज कर लीजिए, इससे आप एडजस्ट करना इसे कर सकते हो, और इसे आप 90 डिग्री जो भी डायरेक्शन में मतलब टर्न करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो इसे इस तरह फिट करने के बाद में बैक साइड वाले को टाइट कर लेना जो भी डायरेक्शन में आपको रखना है, तो जिससे कि हिले डुले ना, इसके बाद में ये वाला टाइट कर लेना, ये वाला जैसे कि आपको जितना भी डायरेक्शन में झुकाना है रिंग लाइट को, पीछे की साइड में जैसे ऊपर की साइड लाइट देना तो इस तरह कर सकते हो, नीचे की साइड में लाइट देना तो इस तरह कर सकते हो, तो इससे मैं कर देता हूँ टाइट। तो ये मैंने कंप्लीट टाइट कर दिया, तो ये हमारी रिंग लाइट भी एकदम फिट हो चुकी है, और इसे थोड़ा सा लूज करके मैं इस तरह झुका देता हूँ जिससे कि आपको और भी बेहतर तरीके से पता चले। तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि इसके साथ में कुछ माउंट भी आए हुए, तो इन्हें किस तरह फिट करना, जैसे कि आपको इसके साथ में रिकॉर्ड भी करना, माइक भी फिट करना, तो कंप्लीट आपको 3 माउंट के देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर माइक हो गया, फोन हो गया या फिर ट्राइपॉड हो गया, जो स्मॉल वाला मोबाइल होल्डर वाला आया हुआ है वो आप फिट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं
आपका फिट करके दिखा देता हूँ, ये वाला माउंट डायरेक्ट फिट करना है, तो इसे आपको इस तरह मूव करना है। मूव करने के बाद में इसे आपको टाइट करना रहेगा कुछ इस तरह। इसके बाद में हमारा बोया का शॉटगन वाला माइक आता है। मोस्ट ऑफ द सभी माइक के जो ये टाइट करने का खांचा सबका सेम ही रहता है। इसके बाद में फिर आपको ये माइक को टाइट कर लेना, तो इसको आप इस तरह घुमा के जो कि टाइट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये माइक को भी कंप्लीट टाइट कर लिया। इसे घुमा के भी टाइट कर सकते हो, नीचे वाले को टर्न करके भी कंप्लीट आप टाइट कर सकते हो। वही ये वाला आप देख रहे हो मोबाइल होल्डर ट्राइपॉड, तो इसे भी आपको फिट करना है, तो इसी तरह आपको फिट कर देना। वही ये साथ में आता है तो इसे भी आपको फिट करना, तो इसे आपको रिमूव कर देना। नॉर्मल ट्राइपॉड पे फिट करो तो डायरेक्ट फिट कर देना, वही नॉर्मल ट्राइपॉड पे नहीं फिट करो तो इसे आपको इस तरह लगाना है। उसके बाद इसके ऊपर भी कुछ भी ट्राइपॉड वगैरह लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो इस टाइप के। तो इस तरह कंप्लीट ये फिट हो जाता है। अब इसके अंदर हम करंट सप्लाई दे देते हैं जो कि पावर कॉर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर 2 पिन का प्लग दिया गया है और इस वायर लेंथ की बात करें अराउंड आपको 8 फीट के करीब वायर लेंथ देखने को मिलता है। तो ये वाला सबसे पहले बैक साइड में कनेक्ट करना है और ये मैंने पावर में कनेक्ट कर लिया है और इस बटन पे प्रेस करना है। दैट्स इट, हमारी लाइट चालू हो चुकी है। तो अभी आप देख सकते हो बैक साइड में हमारी वार्म लाइट चालू हुई है। तो इसके अंदर 2 नॉब दिए गए, तो सबसे पहला वाला आप रोटेट करोगे जिससे कि ब्राइटनेस इंक्रीज होगा। जैसे कि आप देख सकते हो इधर मिरर में भी दिख रहा है ब्राइटनेस ज्यादा हो रहा है, वही इसे फिर से रोटेट करोगे तो ब्राइटनेस कम होगा। तो मेरा कैमरा हो सके इतना फोकस नहीं कर पाता रहेगा, पर रियल में बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट देखने को मिलती है। अब यही वाला नॉब जो कि इसका बगल वाला नॉब, इसे मैं टर्न करता हूं तो इधर आप मिरर में देख सकते हो जो कि लाइट का कलर चेंज होगा। अभी कंप्लीट ये व्हाइट लाइट हो चुकी है और इसका मैं ब्राइटनेस भी इंक्रीज करता हूं तो आप देख सकते हो कंप्लीट ब्राइट लाइट ओवरऑल देखने को मिल जाती है। लाइट का ब्राइटनेस की बात कर रहा हूं, आपको 50 वॉट का बल्ब रहता है, इतना ब्राइट देखने को मिलेगा। तो बल्ब जैसे कि मैं दिखा देता हूं, वो मेरे घर में एक बल्ब लगा हुआ है वो 20 वॉट का है और वहीं छोटे वाले जो बल्ब लगे रहते हैं ये अराउंड 9 वॉट के रहते हैं। तो इससे आप 4-5 गुना ज्यादा लाइट जो कि इसके अंदर देखने को मिलेगा रिंग लाइट में। सामने की ओर से भी मैं दिखा देता हूं, तो जैसे कि आप देख सकते हो कंप्लीट सेटअप कुछ इस टाइप का दिखेगा जिसके अंदर माइक हो गया, कलर चेंज ये देख सकते हो फुल ब्राइट हो चुका है और वहीं ये एकदम लो हो चुका है। और वहीं इधर कलर चेंज करना, तो इसे आप रोटेट करोगे तो ये वार्म लाइट हो गया कंप्लीट और ये हमारा कंप्लीट व्हाइट लाइट हो चुका है। तो इस तरह जो कि हुआ करता है। अब हम रिमोट के थ्रू इसे चेंज करके देखते हैं। कोई भी बैटरी नहीं आती, आपको अलग से बैटरी लेनी पड़ेगी, AAA 2 बैटरी। तो अब मैं इसे यूज करके दिखाता हूं, तो इसके अंदर आपको मल्टीपल बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला पावर ऑन ऑफ का बटन है, तो इसे ऑन के बटन पे दबाओ या पावर ऑन ऑफ के बटन पे दबाओ, दोनों से हमारा सेम फंक्शनलिटी वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हो जब मैं ऑन ऑफ के बटन पे दबा रहा हूं लाइट ऑन ऑफ हो रही है, वही ऑफ के बटन पे भी दबा रहा हूं लाइट ऑन ऑफ हो रही है, ये देखने को मिल जाता है। इसके बाद में जैसे कि मैं ऑन कर देता हूं इधर CTOC+ देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि मैं C+ पे क्लिक करूंगा CT+ पे तो आपको व्हाइट लाइट देखने को मिलेगी, CT- पे क्लिक करूंगा तो वार्म लाइट देखने को मिलेगी। बीच में आपको देखने को मिल जाता है एरो, इनके थ्रू हमारा ब्राइटनेस कंट्रोल। जैसे कि मैं फुल ब्राइटनेस कर देता हूं, सेक्शन पे बटन पे प्रेस करोगे तो फुल ब्राइटनेस हो गया। अभी वही मैं इस एरो वाले के बटन पे प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो ये ब्राइटनेस मेरा लो हो चुका है। इससे भी सेम यही वर्क करेगा, तो इधर आप देख सकते हो ये ब्राइटनेस ज्यादा हो चुका है और ये ब्राइटनेस कम हो चुका है। तो इस तरह कंप्लीट इस रिमोट का वर्क करता है। रिमोट पे बटन काफी ज्यादा दिए गए, ऑलमोस्ट डबल बटन दे दिए गए, ऑन ऑफ का भी 2 बटन दे दिए गए। इनके से एक बटन ना चले तो दूसरा बटन से आपका काम हो जाएगा। मैं ब्राइटनेस के भी 4 बटन दे दिए गए, बल्कि 2 से काम हो जाता है। कारण काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप रिकॉर्ड करते हो कंटिन्यूसली, हम इतना ब्राइटनेस जो कि सामने नहीं देख पाते रिकॉर्ड करते टाइम पे, तो आपको लाइट भी बंद करनी रहती है और आपका थोड़ा सा दूर टेबल पड़ा हुआ सामने लाइट है, तो वो केस पे आप रिमोट से डायरेक्ट लाइट को बंद कर दीजिए, वही रिमोट से आप डायरेक्ट लाइट को चालू कर दीजिए। वहीं आपके नहीं तो घर की लाइट में आप रिकॉर्ड करें तो बार बार आपको उठ के बटन को बंद करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा। तो ये केस पे रिमोट बहुत ही ज्यादा यूजफुल ओवरऑल देखने को मिल जाता है। 18 इंच की कंप्लीट देखने को मिल जाती है, काफी ज्यादा ब्राइट लाइट देखने को मिल जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया या फिर स्टूडियो में कुछ भी वर्क है वो केस पे भी आप ये लाइट को यूज कर सकते हो। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मैंने अमेजोन से बाय किया 2699 रुपीज का, अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सी में कोई 3000-3500 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। तो आई होप आपका ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।